हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे ऐसी कौन सी टॉप 5 एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपने फैमिली के लिए अपने करियर को छोड़ा। आइए गाइस, इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को आखिर तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिशा वकानी की, यानी कि सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की दया। दिशा ने सीरियल में काफ़ी लंबे समय तक काम किया, लेकिन 2015 में उनकी शादी मयूर से हुई। शादी के बाद भी दिशा ने अपनी एक्टिंग को कंटिन्यू किया, लेकिन 2017 में दिशा की बेटी स्तुति का जन्म हुआ। उसके बाद दिशा ने यह फैसला लिया कि वो अब अपनी बेटी का पालन पोषण करेंगी। अब दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं मोहिना सिंह की, जिन्हें आप लोगों ने सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कीर्ति का रोल प्ले करते हुए देखा है। मोहिना काफ़ी समय से एक्टिंग इंडस्ट्री में थी। एक्टिंग के साथ साथ मोहिना डांस भी किया करती थी और सभी लोग इन्हें पसंद भी करते थे, लेकिन 2019 में इन्होंने सुयेश रावत से शादी की। शादी के बाद मोहिना ने अपनी एक्टिंग से छुट्टी ले ली। मोहिना की शादी काफ़ी धूमधाम से हुई थी, इनकी शादी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी रही। तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं रुचा हसबनीज़ की, जिन्हें आप लोगों ने सीरियल साथ निभाना साथिया में राशि का रोल प्ले करते हुए देखा। रुचा ने अपना करियर 2014 में ही शुरू किया था और 2015 में उन्होंने राहुल जगदेल से शादी कर ली। शादी से पहले रुचा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो शादी के बाद एक्टिंग को क्विट कर देंगी, इसकी वजह से उनके फैंस थोड़े से नाराज़ हुए थे। 2019 में रुचा ने अपनी बेटी रिदम को जन्म दिया। रुचा को अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। चौथे नंबर पर बात कर लेते हैं मिहिका वर्मा की, इन्हें आप लोगों ने सीरियल ये है मोहब्बतें में मिहिका खन्ना का रोल प्ले करते हुए देखा। मिहिका ने 2004 से अपना एक्टिंग का करियर शुरू किया। 2016 में मिहिका ने आनंद कपाई से शादी की और शादी के बाद उन्होंने अपना करियर क्विट कर दिया। शादी के बाद मिहिका अपने हस्बैंड के साथ USA में सेटल हो गई और 2018 में उन्होंने अपने बेटे ईजान को जन्म दिया। अब बात करते हैं सौम्या टंडन के बारे में, जिन्हें आप लोगों ने भाभी जी घर पर है में अनीता का रोल प्ले करते हुए देखा। सौम्या ने 2015 में ही अपना करियर शुरू किया। रियल में काफ़ी सारे लोगों ने इन्हें पसंद भी किया, लेकिन 2016 में सौम्या ने सौरभ देवेंद्रा से शादी की और 2019 में उनके बेटे मिरान का जन्म हुआ। सौम्या ने शादी के बाद ही अपने करियर को क्विट कर दिया और अपनी फैमिली के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगी। गाइज, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? इन पांचों में से आप लोगों की ऐसी कौन सी फेवरेट एक्ट्रेस हैं जिन्हें आप लोग अभी भी मिस करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक भी करें वीडियो को।